अपने YouTube चैनल फान लर्निंग क्लास में आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिनको आप समझकर सीखकर अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बना सकते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलें और इंग्लिश बोलना सीखें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। ही किसके लिए यूज होता है? मेल मतलब लड़के के लिए। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं। ही इज पुअर बट हैप्पी। ये कौन से सेंटेंसेस है? ये पढ़ चुके हैं हम, ग्रामर लेवल के सेंटेंसेस है, लेकिन अब स्पोकन रिलेशन में है तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ही इज पुअर, वे गरीब है। बट हैप्पी, वे गरीब है लेकिन खुश है। बट मतलब होता है लेकिन, हैप्पी मतलब खुश। ही इज पुअर बट हैप्पी, वे गरीब है लेकिन खुश है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? कॉल मी टुमारो, मुझे कल फोन करो। कॉल मी टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला जो नेक्स्ट डे होता है, जो कल होता है उसको बोलते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। तो कॉल मी टुमारो, मुझे कल फोन करो। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने पूरा कर लिया? हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने पूरा कर लिया। अब ये सेंटेंसेस हम अपनी क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के सामने भी बोल सकते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर रिटर्न वर्क, क्या आपने अपना लिखित जो होमवर्क है वो कम्प्लीट कर लिया है। हैव यू फिनिश्ड, क्या आप कर चुके हैं, क्या आप कम्प्लीट कर चुके हैं, या हैव यू डन इट, यू हैव डन इट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो या गई हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गए हो। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। हैव यू एवर बीन टू लंदन, लंदन की जगह कोई भी जगह का नाम हो सकता है। नेक्स्ट है वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। कहते हैं ना कभी कभी कोई चीज कोई हमसे पूछता है, अरे तुम ये नहीं लाए या तुम वहां नहीं गए, तो हम क्या कहेंगे, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस इज दैट एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल 10 सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन अवर लेटेस्ट अपलोड्स। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.